नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते नमस्ते चौबे साहब, गुलाम कलीम आजाद को सपोर्ट करके आप लोगों को क्या मिला? ना उसने खुद खाया, ना आप लोगों को खाने दिया। 3 सीटें हैं आप लोगों के पास और मुझे चीफ मिनिस्टर बनने के लिए 3 सीटों की ही जरूरत है। इसके लिए मैं आप लोगों को 1 करोड़ रुपया दूंगा, बाकी जिस दिन चीफ मिनिस्टर की शपथ लूंगा 10 लाख और दूंगा। चौधरी साहब, 1 करोड़ रुपए बहुत कम है, मैं 3 सीटों के 2 करोड़ रुपए लूंगा। क्या 1 करोड़ कम होता है? गिनते गिनते जन्म बीत जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें मिनिस्ट्री में पोस्ट चाहिए। कोई पोस्ट नहीं मिलेगी, मैं तुम लोगों को 5 साल के लिए खरीद रहा हूं और अगर बीच में सरकार गिराने की कोशिश की तो तुम लोग खुद गिर जाओगे, समझ लेना। देखो सत्यलाल, बड़ी मुश्किल से सीटें खरीद कर मैं चीफ मिनिस्टर बना हूं। इस वक्त अगर हमने एक भी गलत कदम उठाया तो मेरी मिनिस्ट्री बर्खास्त हो सकती है। उधर आजाद मर्डर के सिलसिले में दिल्ली से इंक्वायरी कमीशन यहां आ चुका है। अर्जुन अब वो अर्जुन नहीं रहा, पब्लिक का हीरो बन चुका है। हम उसे ऐसा मेंटल टॉर्चर देंगे, उसके जमीर को खत्म करेंगे, जिसे एक दिन वो खुद ब खुद मर जाएगा। शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा सत्यलाल, वक्त का इंतजार करो। हाँ भैया, चौधरी साहब ठीक ही कह रहे हैं, घर चलो। आओ हेलो एसीपी साहब, आप गुलाम कलीम आजाद के हत्यारे के बारे में जानना चाहेंगे? कौन है आप? आवाज सुनने लगता है कि मैं एक औरत बोल रही हूँ। कहाँ से बोल रही हैं? कमिन। अरे बचाओ, बचाओ, अरे क्या कर रही हैं? क्या बात? ये सब ये आपकी पुलिस, आप वक्त पर नहीं आते तो मेरी इज्जत। सर ये झूठ बोल रही है, इसने खुद हमें बुलाया था। हमारे देश की औरत अभी इस हद तक नहीं गिरी है कि वो मर्दों को बुलवाकर अपनी इज्जत लुटवाए। सर आप इसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाइए। पुलिस के अन्याय को पुलिस के इंसाफ करेगी, मैं तुम्हारे ऊपर ह्यूमन राइट्स का केस करूंगी। सर ये अर्जुन, ये वर्दी पहनकर जो तुमने गिरी हुई हरकत की है, इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी होगी। सर ये देखिए सर, अर्जुन याद है मैंने तुमसे कहा था कि जिस दिन मिनिस्टर साहब दोबारा पावर में आ गए तुम्हें उस दिन पर बहुत अफसोस होगा जिस दिन तुमने उनसे बदतमीजी की थी। तुम पर जनता की तरफ से ह्यूमन राइट्स एक्ट का मुकदमा चलाया जा रहा है और जब तक इस मुकदमे का फैसला नहीं होता तुम सिर्फ ऑनलाइन ड्यूटी पर हो। इसका मतलब यह है कि तुम
अपनी पावर या इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम्हारा ये जो सर्विस रिवॉल्वर है ना, ये डिपार्टमेंट को सौंप दो और इन्हें छोड़ दो। सर, थैंक यू सर। शुक्रिया सर। धन्यवाद सर। नमस्ते सर। चलना ले पप्पू देना है। क्या है रानी देव? रानी मेरे को चलना। अरे जल्दी से पत्ते समेट लो, एसीपी अर्जुन आ गया। चलो चलो तो भागो। अरे तो ड्यूटी पे है तो क्या हुआ, वो कुछ नहीं कर सकता। चल खेलते रहे यार। चल चल चल। नमस्कार। आइए आइए। ओ दयाल, सिक्योरिटी में तूने बड़ा ईमानदार आदमी रखा है। ये बहुत अच्छा किया। चल भाई चेक कर हमें। चल चेक कर, चेक कर हमें। चल चल। हमने जूते में भी हथियार छुपा रखा है। हो सकता है छुपाया हो। डाउन डाउन। चेक कर जूता, जूता चेक कर। चल चल देख। ऑन मैन गो डाउन। इन्हीं हाथों से तूने मेरे भाई का हाथ तोड़ा था, याद है ना? अब तेरे ये हाथ जिंदगी भर मेरे जूतों पे रहेंगे। भैया इस कमीने ने तो सिर्फ मेरा एक हाथ तोड़ा है, अगर आप कहें तो इसके दोनों हाथ पैर तोड़ दूं। हाथ तोड़ दोगे तो ये बेचारा वर्दी कैसे पहनेगा? फिर तो ये लूला लंगड़ा अपाहज किसी चिड़ियाघर का चौकीदार बनने के लायक भी नहीं रहेगा। देख लिया अर्जुन, थप्पड़ मारने का नतीजा? अरे अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे इतने थप्पड़ लगवाऊं कि तुम्हारा दम निकल जाए, लेकिन नहीं, मैं तुम्हारी जमीर और आत्मा को इतना जलील करना चाहता हूं, इतना जलील करना चाहता हूं कि तुम खुद ब खुद मर जाओ। नहीं अर्जुन, इस वक्त तुम्हारे ऊपर ह्यूमन राइट्स का केस चल रहा है। यहां अगर तुमने हाथ उठाया तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। तू हम भाइयों के पीछे कुत्ते की तरह लगा हुआ था ना? ले आज हम तेरे सामने खड़े हैं, गिरफ्तार नहीं करेगा? कर गिरफ्तार। बेटे अब इसके दहाड़ने के दिन खत्म हो गए, कुत्ता बन गया है ये। अब ये हमारे हाथों में हथकड़ियां नहीं बल्कि हम इसके गले में पट्टा डालें, है ना टॉमी? Come on. Best of luck.